खत्म होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनैना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जलालाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम नोगमा में अनियंत्रित ट्रक ने निकली एक और जिंदगी। दरअसल मामला जलालगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नाम आता है। आज सुबह लगभग 5 बजे सड़क के किनारे परशुराम उम्र 55 वर्ष अपनी मढ़ैया में सो रहे थे। उधर से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने 11,000 की विद्युत खंभे को तोड़ते हुए उनकी झोपड़ी में घुस गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची जलालाबाद पुलिस ने चालक व परिचालक को हिरासत में लिया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के 3 पुत्र हैं, राम नरेश उम्र 45, गुड्डू उम्र 40, सोनपाल उम्र 35 साल। मृतक के एक विवाहित पुत्री है, सदा देवी। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई? घटना हुई 5 बजे सवेरे 5 बजे भाई, तो जब इन जड़ाको वो देखो आए, तो देखने के बाद में ये ट्रक यहाँ मिलो जी दबे थे नीचे। क्या नाम था इनका? परशुराम। परशुराम, अच्छा, तो मतलब मृत्यु तुरंत हो गई इनकी? तुरंत। गांव कौन सा है ये? नोगमा। नोगमा, अच्छा। तो मतलब डेड बॉडी चली गई यहाँ से? हाँ चली।